तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट स्पॉट हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफाइंड ऑयल के बारे में। इन दिनों खाने में रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल का चलन काफी बढ़ चुका है। पहले जहां सरसों का तेल या घी का इस्तेमाल होता था, वहीं अब लोग इन्हें रिफाइंड ऑयल से रिप्लेस कर रहे हैं। खाने में लगातार रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तेल का शुद्ध रूप चिपचिपा और गंध वाला होता है। ऐसे में रिफाइंड ऑयल को बनाने के दौरान इसमें मौजूद गंध को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। इसमें मौजूद ये गंध ही प्रोटीन कंटेंट होती है, जिसे निकालने की वजह से रिफाइंड ऑयल में प्रोटीन की मात्रा खत्म हो जाती है। ऐसे में नियमित तौर पर इसके सेवन से शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। रोजाना खाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने से शरीर को HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से लोगों में हार्ट संबंधी बीमारियों की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिफाइंड ऑयल हाई टेम्परेचर पर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ऐसे में इस तेल का इस्तेमाल शरीर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।